वर्ल्ड कप की तरह फिर एक बार रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी, लेकिन अब इस बेईमानी को देखकर चुप नहीं बैठूंगा, आपको जरूर बता करके रहूंगा कि कहां पर किस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तान ने और अंपायर ने आउट बता दिया। आप सभी को बता दूं कि साउथ अफ्रीका के कप्तान और अंपायर ने मिलकर रोहित शर्मा को आउट बताया, बल्कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे। आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाएंगे और यहां पर आप लोगों को प्रूफ भी देंगे कि किस तरीके से रोहित शर्मा बैक साइड में कैच आउट हुए और वहां पर वो कैच आउट नहीं थे असल में, वहां पर कुछ और ही मामला था। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप की तरह यहां पर बेईमानी हुई और अंपायर की गलती की वजह से, अंपायर की बेवकूफी की वजह से यहां पर भी रोहित शर्मा को आउट बता दिया गया। साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जाकर के उनको पवेलियन का रास्ता दिखाने की उम्मीद में गए थे भारतीय टीम के खिलाड़ी, लेकिन रोहित शर्मा को पता नहीं था कि यहां पर बेईमानी करके हमें आउट बता दिया जाएगा। जब बाद में रिव्यू किया गया तो पता लगा कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे, लेकिन फिर क्या होगा, रोहित शर्मा अब जा चुके थे ड्रेसिंग रूम में, लेकिन रोहित शर्मा उस समय आउट नहीं थे, लेकिन अंपायर ने उनको आउट बता दिया। आपको पूरा का पूरा लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से उस खिलाड़ी ने अपने मुंह से बयान दिया है, जिस खिलाड़ी ने रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था उसने खुद कहा है और उसने आखिरकार क्या कहा है, जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। यहां तक कि अंपायर भी अब हैरान है गलत फैसला लेकर के, अंपायर भी पूरी तरीके से फंस चुका है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान बाबुम्बा ने जीती और टॉस जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन टॉस जीतने का मतलब यह नहीं कि भारतीय टीम से मुकाबला जीत गया हूं। आप सभी को बता दूं कि यहां पर बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया टेंपा बाबुम्बा ने और अपने आप गेंदबाजी चुनी। बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा हमेशा की तरह फुल फॉर्म में मैदान में उतरे, जहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की। चार गेंदों में रोहित शर्मा ने एक चौका लगा दिया, जहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को पता लग गया कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप का बदला यहां पर जरूर लेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान ने और खिलाड़ियों ने और अंपायर ने मिलकर इतनी बड़ी बेईमानी कर डाली, जहां पर रोहित शर्मा बेचारे भावुक होकर रोने लगे, ड्रेसिंग रूम में भी रोने लगे। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा के आंसू इसलिए निकले क्योंकि रोहित शर्मा वहां पर नॉट आउट थे, लेकिन फिर भी अंपायर की गलती की वजह से वहां पर रोहित शर्मा को आउट बता दिया गया, जहां पर रोहित शर्मा और उनके खिलाड़ी बल्लेबाज कोच राहुल द्रविड़ भी खुद जानते थे कि रोहित शर्मा वहां पर आउट नहीं थे। हमेशा उस वर्ल्ड कप की तरह ऐसा हुआ है, साउथ अफ्रीका में यह मुकाबला और लगभग दोनों टेस्ट मुकाबले भारतीय टीम को जीतने थे किसी भी हाल में, लेकिन यहां पर भी रोहित शर्मा के साथ बेईमानी हुई। आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से बेईमानी की है। जब यहां पर रवाड़ा की गेंद पर रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर जब तगड़ा शॉट खेलने की कोशिश की तो रवाड़ा की जो बॉल है वो बैट की कोर पर लगी और वो बॉल तीव्रता से जाकर के पीछे बैक साइड में लगे साउथ अफ्रीका के जो है प्लेयर के हाथ में गई, लेकिन वो बॉल उसके हाथ में नहीं गई, वो बॉल की तीव्रता बैट से लगकर के इतनी ज्यादा थी कि बॉल वो बड़ी तेजी से घूमकर जमीन को टच करके उसके हाथ में गई, लेकिन वो खिलाड़ी जो है उसने बड़ी ही फुर्ती से उस बॉल को उठा लिया और बॉल जो है जमीन को टच कर गई थी हल्की सी, लेकिन किसी को वहां पर दिखाई नहीं दिया। अंपायर काफी दूरी पर खड़ा था तो अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट बता दिया, बल्कि रोहित शर्मा पर वहां पर नॉट आउट थे। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार मामला क्या है, किस तरीके से रोहित शर्मा को यहां पर आउट बताया गया। आप सभी को बता दूं कि यहां पर रोहित शर्मा तो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और एसएसवी जायसवाल की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी का ऐसा कहर बरसा जिसको देखने के बाद आप एक बार चौंक जाओगे। एसएसवी जायसवाल और जो है शुभमन गिल ने काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन एसएसवी जायसवाल 52 और सुमन गिल 37 रन बना करके आउट हो गए, यह भी पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की जोड़ी ने ऐसा घमासान मचाया कि लंच ब्रेक से पहले पहले 91 रनों की नाबाद पारी खेल डाली दोनों बंदों ने और काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। उसके बाद जो है आप सभी को बता दूं कि शार्दुल ठाकुर का बल्ला यहां पर चला, शार्दुल ठाकुर और यहां पर दिग्गज खिलाड़ी जो है इस समय खेल रहे हैं, लेकिन यहां पर अब विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं, सुमन गिल भी आउट हो चुके हैं, दिग्गज खिलाड़ी एसएसवी जायसवाल भी आउट चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा यहां पर नॉट आउट थे, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा को आउट बता दिया गया। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा काफी ज्यादा भावुक हुए। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि रोहित शर्मा आउट थे या नहीं। फिलहाल जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूं, रोहित शर्मा आउट थे, लेकिन अब मैच है वो पूरी तरीके से फंस चुका है क्योंकि हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैच को काफी शीघ्रता से खेला है। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, जहां पर अब भारतीय टीम की जीत निश्चित है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को धूल चटाएंगे हमारे गेंदबाज, कैसे रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज जब तक भारतीय टीम में, तब तक भारतीय टीम किसी मुकाबले को हार नहीं सकती है। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट ये बताइए कि भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।